हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है हमारे हैमलीज के इस टाइगर टेरेंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक 360 डिग्री व्यू। ओके, एंड इट्स टेल, एंड ऑफ कोर्स हमारे हैमलीज का लोगो ओके। सो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस के बारे में। ये 0 मंथ प्लस के लिए ही है, सो आपकी बेबी के लिए कभी भी इसको आप बाय कर सकते हो। इसका प्राइस है 2599 रुपीस, और ये है टाइगर टेरेंस हैमलीज का। इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं साइट पे, जब मैंने इसको परचेज़ किया तो उसमें इसकी लेंथ का मेंशन नहीं था, लेकिन अगर आपने हमारे पोलार बेयर वाला वीडियो देखा है तो उसके साथ अगर मैच करें तो ऑलमोस्ट दोनों की लेंथ सिमिलर है। सो ये हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा है ये हमारा टाइगर टेरेंस। सो लेंथ इसकी काफ़ी बढ़िया है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट फर का इस्तेमाल किया गया है। आपको हैमली के जो एनिमल किंगडम के सारे ही एनिमल्स हैं उसमें से ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसका मुंह बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इवन अगर आप देख पा रहे हो तो इसके यहाँ पे छोटी छोटी ये हेयर्स है, उसकी जो बोल सकते हैं हम उसकी मूछें हैं, उसको भी बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। सो यहाँ पे इन उसकी ये ब्यूटीफुल आईज है जिसको टांगा गया है बड़े ही अच्छी तरीके से। इसको आप खींच के भी निकालोगे तो ये निकलने वाली नहीं है। और उसके ये ईयर्स है, एकदम जैसे हमारे सामने रियल टाइगर का बेबी बैठा हो ऐसी फीलिंग आती है। सो ये आपके बेबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, बॉयज़ हो या गर्ल हो। किसी को अगर गिफ्ट भी करना है आपको तो ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आपका बेबी एनिमल्स में इंटरेस्टेड है तो आप इसको ख़रीद सकते हो। मैं आपको थोड़ा इसका नज़दीक का व्यू दिखाती हूँ। सी, इसका फर बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है। ये टोटली वॉशेबल है, और बाकी के वीडियो की तरह मैं इस पर भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो हैमलीज़ के जो भी सॉफ्ट टॉय है वो चाइल्ड की स्किन के लिए बड़े ही सेफ होते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। बेबी उनको एज अ कडल टॉय भी लेके सो सकते हैं, और मेन चीज़ कि ये वॉशेबल है तो ऑफकोर्स सैनिटाइजेशन का भी इश्यू नहीं रहेगा। अभी हाइजीन, बेबीज़ को हम जो भी चीज़ें नज़दीक देते हैं उसकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ है, जो भी सॉफ्ट टॉयज़ है वो वॉशेबल हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सॉफ्ट टॉय की ये जो फर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है तो ये हो सकता है कि वॉश करने के बाद ये सारे जो पोर्शन होते हैं वहाँ से रुई निकल जाए, लेकिन हैमलीज़ के कोई भी सॉफ्ट टॉयज़ में ये इश्यू नहीं होने वाला है। आज तक मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। सो गाइस, ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है, लेकिन मटेरियल के लिए ये वर्थ बाय प्रोडक्ट है। सो आप अपने बेबी के लिए ये टाइगर जरूर बाय कर सकते हो। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। अगर आपको आपके बेबीज के लिए सॉफ्ट टॉयज परचेज करने में कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Bye-bye.